सोमवार की बात एमबीए बीके सिंह के साथ। सोमवार को दोस्तों, आज शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, 24, 25, 26 तारीख 2022, 26 दिसंबर 2022, मतलब कि क्रिसमस के दूसरे दिन, क्रिसमस संडे को हो रहा है, परसों क्रिसमस है, संडे को। क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को, जो भी लोग हैं हमारे व्यूअर, सब्सक्राइबर और क्लाइंट, उन सभी को हृदय से बहुत सारी ढेर सारी मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू माय डियरेस्ट फ्रेंड। 2023 की पहले दिन 12:01 में इंटरनेट एक मुंबई का एक वीडियो आएगा, 12:01 पे 2023 में पहला दिन 1 जनवरी 2022 12:01। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी भारत में है और उस कंपनी में एम्प्लाई दुनिया के सबसे ज़्यादा, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, सबसे बड़ी कंपनी तो भारत में हो, और उस कंपनी में काम करने वाले भी दुनिया से सबसे ज़्यादा हैं। कौन सी कंपनी है ये, भारत की बात है, ये एमबीए बीके सिंह की बात है, और आप भी जानेंगे 1 जनवरी को पहले दिन से, वो वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, ये 2 साल से ये एपिसोड चलता आ रहा है, सोमवार की बात एमबीए बीके सिंह के साथ, मंडे स्टॉक विथ एमबीए बीके सिंह, ये देख रहे हैं दोस्तों कौन सा कलर है ये, एक ये देखिए, ये देखिए, ये कौन सा है, रेड, कमेंट कीजिए, रेड है ना, सॉरी ये ज़्यादा रेड, अभी तो शुरुआत है दोस्तों रेड का, अभी ज़्यादा रेड देखने को मिलेगा, तो जिनको डर लग रहा है और स्टॉक मार्केट में जो डरता है, अच्छी बात है, डरना भी चाहिए, कभी कभी डरना भी चाहिए, डरना भी ज़रूरी है, डर नहीं लगेगा तो फिर वो कहा होता है कि खुला सांड हो जाता है, खुले सांड की बहुत बड़े ये कहावत है दोस्तों, खुला सांड हो गया है, कोई इसको रोक टोक नहीं, जिधर जाएगा उधर ही भौंक लगा, दोनों सिम लगा कर, तो ऐसे ये दो रेड है, एक हल्का है थोड़ा सा, ये देख लीजिए, ये ढक्कन है, लेकिन ये पूरा रेड है। और एमबीए बीके सिंह ने 18,050 जिस दिन से शुरू किया, उस दिन से पता नहीं क्या हो गया, ऊपर जाने लगा, और उसके बाद ऐसा हो गया कि 18,050 किया, 17,880 भी आ गया, कल ही बोला था। तो चलिए सोमवार को क्या होने वाला है, आज इसकी सब चर्चा हो जाए, जो बीत गया उसको छोड़ दिया जाए दोस्तों। हर गिरावट में दोनों तरफ से, हर गिरावट में नीचे की तरफ जाने वाले, जितने नीचे जाए उतना खरीदिए, और जितना नीचे जाएगा उतने ऊपर आएगा, और जब इंतज़ार करेंगे, वेट करेंगे, आप पेशेंस रखेंगे तो ज़रूर आपको प्रॉफिट होगा, और ये रेट एक दिन ग्रीन में बदल जाएगा दोस्तों, और जब ग्रीन में बदलेगा तो आपको याद आएंगे एमबीए बीके सिंह, तो जाने दीजिए नीचे, जितना नीचे जाता है, हम तो मनाते हैं इतना नीचे चला जाए कि वो दिखाई नहीं दे, 5,000 चला जाए निफ्टी 50 5,000 चला जाएगा तो समझिए कि एक बार जानते कितना आएगा, 25,000, और अगर एक महीना के अंदर 5,000 गया, 5,000 का लेवल जब स्टार्ट हुआ था निफ्टी 50 का इतिहास, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 25 साल हुआ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना का, 25 साल हो गया, 26वां शुरू होने वाला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का, नहीं कहिए दुनिया का टॉप 10 में है, बहुत बड़ा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है,
तो सोमवार को दोस्तों इस महागिरावट की दौर में भी कहाँ कमाई होगी, आइए आज इस वीडियो में ही होंगे। वीडियो लंबा होगा दोस्तों, क्योंकि हम भी आज मूड में हैं 2023 शुरू होने से पहले कुछ ऐसा कर लिया जाए कि दो चार दिन ट्रेडिंग नहीं भी करें तो अपना बेनिफिट उसका प्लस होता रहे दोस्तों, उसी सिलसिले में आज बात करेंगे। तो चलिए सोमवार को उठा लीजिए जितना माल है दोस्तों, जितना कैपेसिटी है आपको उठा लीजिए, सब कुछ बेच कर। जानते क्या, भारत डायनेमिक, भारत फोर्ज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और ITDC इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इंडियन होटल्स और सुनिए क्या, NTPC और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड जिसको SBI कार्ड बोलते हैं, अगर आपको माला माल होना है 2023 में, अगर ये आज रेट दिखता दोस्तों, आ गया समय SBI कार्ड का, आ गया समय IRCTC का, IRCTC और SBI कार्ड, ये दोनों जो देख रहे हैं ना रेट, ये दोनों जो रेट देख रहे हैं दोस्तों, हम क्या बताएं कि ये दोनों रेट जो देख रहे हैं, ये दोनों रेट के बराबर एक ही ग्रीन ऐसा आएगा कि SBI कार्ड 5000 का स्टॉक है दोस्तों, नहीं जानते तो जान लीजिए, हम तो जान गए हैं, आप भी जान लीजिए, नहीं जानते 5000 का SBI कार्ड है, क्यों कि भारत की कोई ऐसी कंपनी नहीं है, भारत का कोई ऐसा बैंक नहीं है, भारत का कोई ऐसी सर्विस सेक्टर नहीं है जिसके साथ SBI का SBI कार्ड का कनेक्शन और उसका क्रेडिट कार्ड नहीं है। दुनिया के टॉप 10 में SBI कार्ड का नंबर आता है, और मैं 2 साल से कहते आ रहा हूँ दोस्तों, 5000 2 साल अभी हुआ, 540 रुपये का स्टॉक था, याद कर लीजिए, आज फिर मैं बोलता हूँ, 540 रुपया का स्टॉक्स को एडवाइस करते करते मुझे 2 साल हो गया, 5000 का ये स्टॉक है दोस्त, और जिस दिन 5000 होगा उस दिन हम कैलकुलेशन बताएंगे, किसी म्यूचुअल फंड में रखते तो क्या होता, किसी फिक्स डिपॉजिट में करते तो क्या होगा, कोई बिजनेस करते तो क्या होता, कोई आप फिक्स डिपॉजिट करते तो कितना मिलता, या आप किसी को देते प्राइवेट लोन तो क्या होता। SBI कार्ड रख लीजिए, रखा सोमवार से जितना गिरे, अभी एक मौका और दे दिया है, और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बाद आपको मैं बता दूं, आपको इंडियन बैंक, केनरा बैंक और यूको बैंक के साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा, जी हाँ, सोमवार की बात MBA के सिंह के साथ में, बस इतना ही, फिर हम आते हैं सोमवार को, कौन सा सेक्टर क्रैश होगा और हम उसको दबोचेंगे और लेकर गोदाम में रख देंगे, कितना दिन के लिए, 1.5 महीने के लिए, 45 दिन के लिए ये शेयर उठाएंगे, गोदाम में रखेंगे और 1.5 महीने बाद बेचेंगे, और 500% मतलब 5 गुना, 500% मतलब 5 गुना, 1 करोड़ लगाएंगे, 5 करोड़ निकालेंगे, कितने दिन में, 45 दिन में, जैसे कोरोना खत्म होगा, ये 100% जान लीजिए, इसके बाद वीडियो आएगा वो जरूर देखिए, सोमवार को MBA BKC खरीदने जा रहे हैं। आप सोचते हैं, आपका परिवार सोचते हैं, इस वर्ष हम यही कामना करते हैं दोस्तों, मास्क लगाना नहीं भूलिए, क्योंकि मास्क जो है यही एक हमारा बहुत बड़ा हथियार है, और यही हर रोग की दवा, ये मास्क प्रिकॉशन, आप जब भी जाएं, आपका परिवार जब भी जाए घर से बाहर, मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि जनवरी और फरवरी ये 2 महीने हम प्रिकॉशन ले लिए तो जंग को जीत सकते दोस्तों, आप स्वस्थ रहेंगे, देश स्वस्थ रहेगा,
आप शिक्षित रहेंगे देश सुरक्षित होगा, और आप सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। और यही हमारी कामना है कि आप उस ईश्वर स्वस्थ रखें, खुश रखें। ईश्वर से हमें बारंबार कोटि कोटि बारंबार निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज वेल्थ। जय हिंद।